वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आलू की सब्जी बनाने की विधि बताऊंगी जो खाने में टेस्टी है, डिलीशियस है, स्पाइसी है। एक बार ट्राई करके देखें बनाकर। चैनल को लाइक करें, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करें। कढ़ाई गर्म हो गया है, सरसों का तेल डालेंगे, पांच चम्मच सरसों का तेल है जो गर्म हो चुका है, एक चम्मच जीरा डालेंगे, एक दालचीनी, पांच लौंग, एक बड़ी इलायची, छोटे टुकड़े में कट किया हुआ प्याज को फ्राई करेंगे। दो तेजपत्ता, प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम में और बीच बीच में चलाएंगे। प्याज फ्राई हो गया है, एक कटोरी टमाटर डालेंगे जो छोटे छोटे हो सकते हैं। प्याज 250 ग्राम, टमाटर 200 ग्राम, टमाटर को सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। नमक स्वाद अनुसार, यानी 1 चम्मच नमक है। टमाटर को सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लिए हैं। टमाटर सॉफ्ट हो गया, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गोलकी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे। चार चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मिक्स करेंगे। मसाले को फ्राई करेंगे और बीच बीच में चलाएंगे। मसाला अन्य सामग्रियों के साथ फ्राई हो गया है। उबले हुए आलू डालेंगे जिसे हमने बीच से कट किया है छोटे टुकड़े में। 750 ग्राम उबले हुए आलू है। आलू को मसाले के साथ फ्राई करेंगे। हमने उबले हुए आलू 1 पिंड लिए थे, 750 ग्राम हमने छोटे छोटे टुकड़ों में मसाले का फ्राई कर रहे हैं और 250 ग्राम आलू को मैश करके डालेंगे। आलू को 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे मसाले के साथ। आलू मसाले के साथ फ्राई हो गया है। दो ग्लास पानी डालेंगे। दो ग्लास पानी डाल दिए हैं, मिक्स करेंगे।
ये भी उबल गया है। 250 ग्राम मैश किया हुआ आलू डालेंगे। मैश किया हुआ उबला आलू तो मिक्स करेंगे। आलू की सब्जी को गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तीन चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। मिक्स कर लें। गरम मसाला डालेंगे आधा चम्मच। आलू की सब्जी रेडी हो गया है। गैस को ऑफ करेंगे। कचौड़ी वाले आलू का सब्जी रेडी हो गया है। सब्जी को बाउल में रखेंगे।